हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। बढ़िया भी रहना यार। आज हम लोग आ चुके फिर से एकदम अपडेट भरी वीडियो को लेकर। आज हम लोग अपडेट के साथ साथ कुछ मिथ भी ट्राई करने वाले हैं जो हमें आप लोगों ने ही कमेंट किए थे। आज हम लोग उसको बहुत अच्छे से ट्राई करने वाले, देखते हैं कितने मिथ सही है और कितने बस्टर्ड है। चलो भाई साहब, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, फटाफट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ भाई, वीडियो को एक भी सेकंड मिस मत करना क्योंकि बहुत ही मजा आएगा भाई वीडियो में। और हाँ, आप लोग भी हमें कोई भी मिथ या फिर चैलेंज दे सकते हो, हम लोग उसको जरूर कंप्लीट करेंगे। अगर मिथ होगा तो उसे हम चेक करेंगे और अगर चैलेंज होगा तो कंप्लीट करेंगे। चलो फटाफट बढ़ते हैं। चलो देखते हैं हमारा मिथ क्या है। जेसीबी और ऑटो रिक्शा पर एक साथ बैठो, जेसीबी का कंट्रोल ऑटो रिक्शा में आ जाएगा। चलो भाई देखते हैं क्या ऐसा होता है। चलो ट्राई करने में क्या जाता है भाई, चलो ट्राई करते हैं भाई, शायद होता हो ऐसा। चलो उसके लिए तो पहले हम लोग को मंगाना पड़ेगा जेसीबी 6677। आ चुकी है, हमने जेसीबी स्पोर कर दी है। अब चलो मंगाते हैं भाई 8370। इसके अंदर हमारा ऑटो रिक्शा आता है भाई, ये दोनों हमने स्पॉन कर दिया है। अब चलो भाई इसके ऊपर बैठने का ट्राई करते हैं एक साथ। भाई इधर से तो जगह नहीं है, हमें आगे से ही जाना पड़ेगा। भाई हमारा कैरेक्टर बहुत ज्यादा आलसी हो गया है, वो एकदम कंजूस है, इधर उधर चलने में भी इसको प्रॉब्लम हो रही है। देख रहे भाई, इतनी तगड़ी हड्डी कट्टी बॉडी बनाया फिर भी। चलो भाई ट्राई करते हैं भाई, पहली बार में तो नहीं हुआ भाई। चलो कोई बात नहीं, हम लोग कई बार ट्राई करेंगे, जब तक नहीं होगा तब तक इसको ट्राई करेंगे। चलो थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, देखते हैं होता है। नहीं भाई, अभी तक तो कोई कंट्रोल इसके हाथ में नहीं आया। चलो फिर दोबारा ट्राई करते हैं। चलो भाई देखते हैं क्या होता है भाई, दोबारा भी नहीं हुआ यार, ये बार भी फेल हो गया। कोई बात नहीं, हम लोग फिर से ट्राई करेंगे, देखते हैं भाई इस बार क्या होता है। यार इस बार मेरे को लगता है हो जाएगा। चलो भाई ट्राई करते हैं, देखते हैं, कई बार ट्राई करेंगे, एक ना एक बार में तो हो ही जाएगा अगर ये सच होगा तो। चलो भाई इस बार भी नहीं हुआ भाई, कोई बात नहीं, चलो फिर से एक बार ट्राई करते हैं। चलो भाई ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मेरे को लगता है यार ये शायद मेरा आखिरी बार होगा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है भाई, ये तो एकदम मेरे को लगता है बस्टेड है भाई। चलो ट्राई करते हैं। नहीं भाई, ये मिथ एकदम बस्टेड है भाई। चलो कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट मिथ क्या है। भाई मून ग्रेविटी में जेसीबी और स्कॉर्पियो को एक साथ स्पॉन करो, फिर देखो मैजिक। चलो भाई हम लोग भी आज जादू देखने वाले हैं भाई, काला जादू, देखते हैं क्या होता है भाई ये काला जादू। उसके लिए तो पहले हम लोग जेसीबी मंगाएंगे भाई 6677। उससे पहले यार मून ग्रेविटी ऑन कर ले भाई 7112। चलो भाई इसको तो ऑन कर लिया है। अब मंगाने वाले हम लोग स्पॉन करेंगे जेसीबी, जिसका चीट कोड तो आप लोग को पता ही होगा 6677। चलो भाई फटाफट इसको हम लोग स्पॉन करते हैं। उसके बाद में अभी हम लोग को मंगाना पड़ेगा स्कॉर्पियो, उसके लिए भाई 333 भाई साहब। चलो देखते हैं क्या होता है। ओ भाई साहब ये क्या भाई, ये लोग तो पापा के पारा बन चुके हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई ये लोग, मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। ओ भाई साहब ये तो एकदम डेंजर है भाई, मेरे को ये बहुत खतरनाक लग रहा है भाई, पता नहीं ये लोग कहाँ रुकेंगे। चलो भाई देखते हैं ये लोग किधर रुक जाएंगे भाई। भाई स्कॉर्पियो तो हल्का ऊपर गई है, लेकिन जेसीबी तो एकदम जा रही है भाई, बुलडोजर बाबा पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। चलो इसका पीछा करते हैं भाई, देखते हैं ये तक कहाँ तक जाते हैं भाई ये लोग। चलो अपनी स्कॉर्पियो तो जमीन पे आ चुकी है, लेकिन जेसीबी, हाँ भाई जेसीबी भी आ चुकी है भाई। ये मिथ भाई कंफर्म है भाई, और कंफर्म के साथ साथ ये मुझे बहुत पसंद आया भाई साहब, एकदम ओपी है भाई। चलो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दम है तो सीक्रेट टनल को पार करके दिखाओ, भाई साहब ये कैसा चैलेंज दे दिया। चलो भाई एक्सेप्ट कर रहा हूँ भाई मैं तुम्हारा चैलेंज। चलो भाई फटाफट हम लोग लगाते हैं, पहले तो इन्फिनिटी हेल्थ 9129। चलो भाई हम लोग अपना इन्फिनिटी हेल्थ लगा ली है, मेरी निंजा स्क्वाड एकदम तैयार है भाई उसको पार करने के लिए। भाई ये चैलेंज तो हम लोग कंप्लीट करके रहेंगे। चलो भाई फटाफट हम लोग चलते हैं अंदर। और हाँ गाइस यार, फटाफट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई अगर अभी तक नहीं किया हो। मुझे तो पता है आप लोगों ने कर दिया होगा क्योंकि मैंने इतने सारे अपडेट बता दिए आप लोगों को। चलो भाई चलो इधर चलते हैं, चलो भाई देखते हैं क्या होता है। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। एक मकड़ा तो हम लोग को सामने दिख चुका है भाई, इससे तो हम लोग को बच के इधर से निकलना पड़ेगा भाई। सामने से एक और आ रहा है भाई, यहाँ पे कितने सारे मकड़े हैं। चलो भाई हम लोग तो अभी लेने वाले हैं इधर राइट, देखते हैं। ओ भाई इधर एक और है, अरे भाई इधर का तो दीवार भी बंद है भाई। चलो फटाफट अपनी गाड़ी बैक साइड में लेते हैं और चलते हैं इधर से निकलते हैं, वरना यार ये लोग बहुत तगड़ा भाई देख रहे भाई, हम लोगों को घेर लिया है चारों तरफ से भाई, और भी आ रहे हैं भाई, कितने सारे यहाँ पे मकड़े हैं। चलो हम लोग इधर से फटाफट निकलने का कोशिश करते हैं, देखते हैं निकल पाते हैं या फिर नहीं। भाई सामने से एक और आ गया भाई, क्या हो रहा है मेरे साथ आज। कोई बात नहीं, ओ भाई इधर तो दो दो है भाई। चलो फटाफट इधर से निकलते हैं हम लोग, यार ये लोगों ने तो हमें घेर लिया है, देखते हैं क्या होता है, हम लोग निकल पाएंगे या फिर नहीं। अरे इधर से भी पैक है। चलो यार हम लोग फटाफट अपनी बाइक को लेते हैं पीछे और इधर से निकलने की कोशिश करते हैं। चलो भाई देखते हैं निकल पाएंगे या फिर नहीं। चलो ट्राई तो कर रहे हैं भाई निकलने का, और मुझे को लगता है निकल जाएंगे भाई आराम से। चलो भाई हम लोग को दूसरे साइड से निकलना है, देखते हैं दूसरा साइड तो ढूंढना पड़ेगा। ओ भाई साहब इतना सारे मकड़ा कहाँ से आ गए भाई, अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ 7-8 मकड़े ही थे, लेकिन अब तो लग रहा है 60-70 हो गए भाई। चलो इधर से निकलने की कोशिश करते हैं भाई, इन लोगों ने तो मेरे को बाइक से भी नीचे उतार दिया है, क्या ही तगड़ी कीक मारी भाई, मैं तो जाके दीवार में लड़ा हूँ। कोई बात नहीं यार, अभी चलो फिर से हम लोग अपनी बाइक के पास चलते हैं, इधर से निकलना है भाई कैसे भी करके। इतने सारे मकड़ों ने हमें घेर लिया है, लेकिन फिर भी हम हार नहीं मानने वाले भाई। भाई आप लोग कमेंट करके बताओ इसमें कम से कम कितने मकड़े होंगे। चलो निकलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं निकल पाते हैं या फिर नहीं। निकल सकते हैं यार, निकल सकते हैं भाई साहब, हम लोग इधर से निकल सकते हैं भाई, हम लोग कर सकते हैं भाई। डू और डाई, करो या मरो भाई, करेंगे या फिर मरेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है हम लोग के साथ।
भाई थोड़ा सा तो आगे बढ़े हैं, लेकिन इन लोगों ने इतना तगड़ा घेरा हुआ है कि हम लोग निकलना मुश्किल है, नामुमकिन हो रहा है भाई। लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे और निकल के दिखाएंगे भाई, मैं आप लोगों को निकल के दिखाऊंगा। चलो भाई कोई बात नहीं, मैं तो बाइक से उतर चुका हूँ, पैदल जाऊंगा भाई। उसने ये नहीं कहा भाई कि बाइक से जाना है, उसने बोला है बस इसको कंप्लीट करो। चलो भाई अगर थोड़ी चीटिंग हो रही तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग इसको पार करने की कोशिश करेंगे। इससे आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि इसका एग्जिट गेट किधर है। चलो भाई हम लोग ढूंढते हैं इसका एग्जिट गेट भाई फटाफट। हम लोगों ने अपनी स्पीड तो बढ़ा ली है भाई साहब, हमारा कैरेक्टर कितनी तेज दौड़ रहा है। चलो सामने से दो गेट है, लेकिन हम लोग इधर राइट आए फिर। चलो भाई इस बार चलते हैं फिर से राइट चलते हैं। सामने एक मकड़ा भाई, इसको हम लोगों ने पीछे कर दिया है, लेकिन भाई इधर तो पूरा पैक है यार। हम लोग फिर से भाग चुके हैं पीछे भाई साहब, हम लोगों ने बहुत सारे मकड़ों को पीछे कर दिया है, लेकिन इन लोग हमारा पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे भाई। चलो इधर से चलते हैं भाई, अब देखते हैं कि इधर हम लोग को जाना है। ओ भाई साहब हम लोग तो बाहर निकल चुके हैं, लेकिन एक सेकंड किधर से निकले भाई, एक मिनट यार, हम लोग तो उसी गेट से निकले जिस गेट से हम लोग अंदर गए थे। ये गलत बात है भाई, देखते हैं अभी इधर से एक और गेट है या फिर एक ही गेट है। उससे पहले इन लोगों को मारना पड़ेगा, वरना ये लोग ऐसे पीछे छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए तुम्हारा भाई बन चुका है एकदम रॉकी। चलो भाई फटाफट इन लोगों को मार के खत्म करते हैं भाई, थोड़े बचे हैं। आ जा भाई जल्दी जल्दी भाई, सामने से तू भी आ जा। चल तेरे को भी बताता हूँ मैं, आ जा भाई दो चार ही बचे हुए हैं, इनको भी फटाफट निपटाते हैं, उसके बाद में फिर चलते हैं अपने मिनी जेट पैक से ऊपर भाई। खत्म भाई, एक भी नहीं बचे भाई, तुम्हारे भाई ने सबको मार दिया। चलो भाई मंगाते हैं अपना मिनी जेट पैक जो आता है 330 से। चलो फटाफट हम लोग देखते हैं कोई और एग्जिट गेट है या फिर एक ही गेट है जिससे जाओ या फिर आओ। भाई ये गलत बात है भाई, इधर पैक है भाई, एक मिनट, इधर वाला भी पैक है भाई, उधर वाला भी पैक है भाई, ये तो भाई सारे के सारे पैक है भाई, हम लोगों के साथ में भाई गद्दारी हो चुकी है, ये गलत बात है भाई। कोई बात नहीं यार, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, देखते हैं क्या है। जमीन पर स्टिकी बॉम्ब को रखो और उसी के ऊपर खड़े होकर के स्काई फॉल करो, देखते हैं भाई सब क्या होता है। चलो जमीन के ऊपर पहले तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्टिकी बॉम्ब रखते हैं भाई, देखते हैं क्या होता है। मैंने आज से पहले इसको ट्राई नहीं किया, चलो ट्राई करते हैं भैया, कुछ तो होगा यार, चलो देखते हैं क्या होगा। चलो कई सारे स्टिकी बॉम्ब हम लोगों ने लगा दिए हैं, अब चलो इसके ऊपर हम लोग खड़े होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर तो खड़े हो चुके हैं, उससे पहले हम लोग को लगाना पड़ेगा इन्फिनिटी हेल्थ, जो भाई ने बताना भूल गया है, कोई बात नहीं, लगाते इन्फिनिटी हेल्थ 9129। चलो आप उसके बाद में फिर आप करेंगे भाई स्काई फॉल, देखते हैं क्या होगा। 11 11 20, चलो भाई 11 20 पे आता है, देखते हैं। ओ भाई साहब हम लोग तो पहुंच चुके हैं हवा में भाई, आसमान की ऊंचाइयों में, तुम्हारा भाई अब गिर रहा है नीचे। अगर यहाँ पे ना लगाया होता इस इन्फिनिटी हेल्थ तो अब तक हम लोग गए थे भाई नीचे गिरते ही। चलो देखते हैं क्या होगा। ओ भाई साहब ये सारे स्टिकी बॉम्ब तो हम लोग के शरीर में चिपक चुके हैं यार, तुम्हारा भाई भाई वो बन चुका है, क्या बोलते हैं, स्टिकी मैन। चलो देखते हैं भाई साहब इससे क्या होगा भाई, लेकिन डेंजर दिख रहा है भाई, एकदम खतरनाक, जैसे भाई उसमें क्रिस 3 के अंदर वो बना था भाई काल, वैसे ही तुम्हारा भाई बन चुका है, बहुत डेंजर दिख रहा है भाई साहब। आप लोग कमेंट करके बताओ ये लुक कैसा है तुम्हारे भाई का। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, देखते हैं भाई क्या है। 012 12 ट्राई करो, न्यू लॉरी आएगी भाई। 012 12 पे तो लॉरी है, लेकिन भाई न्यू है ये मुझे नहीं पता। चलो भाई ट्राई करते हैं 012 12, देखते हैं भाई कौन सी लॉरी आती है। अरे भाई हम लोगों का तो चूतिया कट चुका है भाई, कोई बात नहीं यार, हम लोगों के साथ में गलत हुआ। देख रहे भाई वही ओल्ड वाली लॉरी आई हुई है यार, वो भी ट्रक तो ट्रक आया हुआ है, हम लोग को बताया गया है कि न्यू लॉरी आएगी। कोई बात नहीं यार, आप लोगों ने हमें दिया था इसलिए हम लोग इसको चेक किए हैं। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।